जय माता दी। राम राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे कल शाम को मैंने वीडियो यहीं पे एंड करा था। मैंने कहा था कि मैं आगे इससे आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे रस वगैरह भी खा रहे थे अनिल पापा। और पहले मैं आप लोगों से बातचीत कर रही थी, फिर मैंने वॉइस ओवर किया, यहाँ पे म्यूट कर दी पहले की साउंड। तो ऐसे कुर्सी के ऊपर ना थोड़ा दिक्कत होती है, वो फिसलती भी है ना, फिसलने का डर रहता है। पर सोफे, एक वाला सोफ़ा, इसके ऊपर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको ना। तो रस और खा रहे थे और हम चाय पी रहे थे। ये देखो, फिर ना इनको ऊपर ही थे पैर। मैंने कहा आप ना नीचे रखो, नीचे मैंने तकिया रखा और उसके ऊपर ना इनका पैर रखा। ऊपर भी दिक्कत हो जाती है अगर ऊपर ही हो रखा हुआ पैर तो। हनी रुक 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 रुक। तो हनी पुत आ गया है दूध देके। वो तो अभी हनी आ गया दूध देके, छाड़ दिया था के। तो हनी वो रखा देख, क्या शूटिंग लग रहा कराने? ये तो फैमिली ब्लॉग है, डेली के ब्लॉग है। तो हनी आ गया दूध देके और जो है ऐसा रंगीला बाग बनाना मैं पितरे। और अंदर दूसरा गाने लगा रहा। अभी मेरे को ना परसों भी कॉपीराइट आ गया था एक दिन, जैसे गाने लगे उन्हें पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं एडिट करती रही, मैंने पीछे देखा मैं किसमें तो मैंने बात करी है और बाद में आ गया कॉपीराइट उसमें। तो आजकल हनी बेटा काफी मेरी हेल्प कर रहा है काम करने में आज, मतलब काफी तो हाँ कर ही रहा है। और देखो उसने पार सफाई करी नहीं जितने, नहीं 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 जितने पता नहीं पापा क्या करते, मैं बताती हूँ ये करते, ये ज्यादा करते थे। नहीं 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 पता क्या ये देख तेरा एक्सप्रेशन सारे करो लोग नोट है ना। तो पता जितनी ये करते थे ना उतने नहीं करते, ये बच्चे भी है ना वैसे फिर भी ठीक ही करते हैं, चिकड़ भी उठा दे। तू मेरा बच्चा नहीं है आनी। तो ये ऐसा था ना, ये बिना बोले अगर मैं नीचे गोयनी में हूँ तो ये कर लग जाते थे करने अंदर। पर आज शानू ने खाना बनाया भाई, शानू ने भी आज रिकॉर्ड तोड़ा। रामा राव रेड्डी इसको अपने बाण लगते। जय माता दी बोला नहीं, जय माता दी। हनी के पास आईफोन है, खोल के दिखाते नहीं इसको। पर ये बेचारा बहुत छुटकुस आईफोन है और इसमें ना वो स्टोरेज ज्यादा नहीं है और इसकी बैटरी भी नहीं चलती। तो फिर क्योंकि आईफोन 7 में छोटी बैटरी होती है। जय माता दी। जय माता दी। ओए क्या कर रहे हो? ओए व्यूअर और आज वही बड़े दिनों बाद क्या है। और देखो आईफोन का कैमरा देखो, कितना कितना अच्छा कैमरा है इसका, देखो तू असली फोटो। दीदी मांगे सा होते शूट करे करो मशीन पानी है तो सिम लो मोबाइल जो के टेंडर पानी मां भी लेने। देखो अब कैसे पतिलिया का लगी तो। तो यहाँ पे फिर मैं सुबह आप लोगों से मिल रही हूँ, शाम को मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी वो दूसरे चैनल पे डाली है। पर आज ना मेरे को आज लोग आए हुए थे थोड़ा पूछने हनी के पापा को, तो मेरे को टाइम नहीं लगा उसको अपलोड करने का। तो सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मेरी गर्दन में बहुत दर्द होती है आजकल, तो मैं सुबह उठ के 5-10 मिनट खुद के लिए निकालती हूँ। तो ये देखो इस तरह से ना गर्दन की एक्सरसाइज कर रही थी और ऐसे बाजू पीछे, मुझे ना ये दीदी बता के गए थे अमृता दीदी। हाँ
बाद निकल गई थी मैं गाय धोने के लिए, उल्टा शूट कर रखा मैंने यहाँ पे, देखो कैमरा उल्टा। और यहाँ से बाल्टी मैं इस तरफ को रख देती हूँ ऐसे ही, फिर अपने तरफ से उठाती हूँ। और फिर उसके बाद गायों को धूप के आ गई मैं ऊपर, फिर मैं चाय मैंने बाद में बनाई, पहले मैं ना फिर मैं अम्मा से भी बात कर रही थी, और मैंने ना इन अपनी मिट्टी की हांडियों में तेल लगा दिया था, काफ़ी सारा तेल रचा दिया था। पर एक दुख की बात है कि वो एक हांडी टूट भी गई। एक्चुअली मैंने उसको गैस के ऊपर रखा और उसको खाली रख दिया थोड़ी देर, फिर उसके बाद जो है वो क्रैक हो गई। वो खाली नहीं रखते, उसमें मेरे को पानी या दूध डालना चाहिए था, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ एकदम से। उसको मतलब ऐसे नहीं रखना चाहिए था। और अभी सुबह ही तो मैंने उसको तेल लगाया, दिन को लगी थी मैं उसमें चाय बनाने। और मेरे को फिर एक फ़ोन आया ज़रूरी, उसको लगी मैं सुनने, और फिर वो क्रैक हो गई। कोई बात नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब मुझे इससे आगे बताना कि तेल लगाने के बाद उनको कैसे रखें चूल्हे के ऊपर, डर रहता है कहीं फट तो नहीं जाएंगे। तो ये देखो, फिर ये अब सारा तेल ना इन्होंने चूस लिया था जितना भी था तेल। देखो ये फिर दिन की क्लिप है, ये वाली तूड़ी लेके आए हम, देखो कैसी तूड़ी आ गई अब पैकिंग वाली। तो ये कामधेनु से मंगवाई थी हमने, किसी से कोई गया था पार, तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम लेके आ जाएं। तो ये देखो हन्नी उठा रहा था, और ये सोनू है गाड़ी वाला, और ये रेखा भी आई थी यहाँ मेरी दरानी। तो ये देखने में इतने इतने गट्ठे ना, ये गट्ठे बहुत भारी थे, 40 किलो का, कोई 42 किलो का, कोई 41 किलो का, कोई 37 किलो का, और कोई 50 किलो का, कोई 51 किलो का। तो इस तरह से हमने लाई 3 क्विंटल 37 किलो। तो बड़ी मुश्किल से उठा रहा था ये, क्या कमाना, कुछ नहीं कमाना जितना गाय का बचता है ना थोड़ा। तो इनको घास, अच्छा पता ये क्यों ली हमने, क्योंकि अब घास मुझे अकेले को काटना पड़ता है, फिर होता नहीं है, पशु ना ऐसे नहीं रहना चाहिए है ना। तो क्या किस तरह से पैकिंग करते हैं ना, मैं तो हैरान हूँ देख के पैकिंग तूड़ी की। तो इतना भारी था ये गट्ठे भाई, हाँ ये देखो किस तरह हन्नी ने कैसे उठाए होंगे, बहुत भारी थे। तो लगे नहीं ना, लगे नहीं ना जितना रेट।
और उसके बाद जो है फिर ये थी मेरी सास, यहाँ पे आए हुए थे, यही आए हुए नहीं थे, यहीं पे हैं। तो फिर मैंने के बालों में कंघी कर रही थी। और देखो बुजुर्गों को इस टाइम ना बात करने की होती है कि कोई उनके पास बैठे, तो मैंने के सिर में कंघी कर रही थी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और पहले जो मेरी शादी थी ना, उसके बाद ना मेरी सासू को, सासू माँ को मेरा ही जो मैं चोटी करती थी उनके ना बालों में कंघी, मेरी पसंद आती थी, क्योंकि मैं बहुत उनको ना गुड़ के चाहिए होती थी जोर से, भाई मतलब बाल ऐसे लूज ना रहे चारों तरफ से, तो उस तरह की चाहिए होती थी इनको। तो पुराना टाइम ना याद आ गया सच्ची में। तो ऐसा ही है जिंदगी है, बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें। और आज मैं सोई भी नहीं हूँ दिन को, एक दो जने आ गए थे और फिर मैं बैठी रही। तो अभी मेरे को एडिटिंग करते हुए भी ऐसी सुस्ती जैसी छाई हुई है, तो परांदा लगाया। और देखो इनके बालों में ना कितनी अच्छी मेहंदी लगी है, इन्हें नंद जी के घर में गए तो शायद उन्होंने लगाई होनी वहाँ पे, हमारे तो आती नहीं इतनी अच्छी मेहंदी, या तो फिर ये कलर होना। और एक हैरानी की बात है कि 80 प्लस उम्र है इनकी, और इनके बाल ना भी आगे आगे वाले ही जो है ना सफ़ेद हो रखे हैं, बाकी इनके बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं। ये देखो, तो ऐसे परांदू मैं भी लगाती थी, हमेशा लगा के रखती थी। अब तो मेरे से ये जो बाल है ना ये भी नहीं सहन होते, परांदू तो दूर की बात है, इनमें अगर जूड़ा बना दिया या फिर रबड़ लगा दिया तो बड़ा भारी भारी लग जाता है। फिर मैं इनको खोल देती हूँ ऐसे, फिर कोई आदमी आता है फिर से इनको फोल्ड कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत भारी लगते हैं ना। ऐसा ही होता है जब अपना शरीर नहीं चलता ना, तो ऐसा ही होता है। तो चलो अब तो वीडियो का एंड करती हूँ, और अच्छा लगा होगा वीडियो, पता नहीं आज ऐसे ही बनाया वीडियो, एडिट कर दिया मन से बाहर ही, सच्ची बोल रही हूँ। तो अपनों के साथ खुश रहिए हमेशा, ज़िंदगी में ईमानदारी कीजिए और हमेशा वफादार रहिए, किसी के साथ धोखा मत करिए। और इंसान जो है ना बहुत टूट जाता है अच्छे रिश्तों में, कभी बेईमानी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, जय माता दी, राम राम, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं।